सो वेलकम क्लास, अब स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस पेपर वन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. पहला ऑप्शन दे रखा है राउंड बॉम्ब्स दैट इज एस्केलमेंथीज आर स्यूडो सिलोमेट्स. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. एंड बी में बता रखा है मॉलस्क आर ए सिलोमेट्स. लेकिन मॉलस्क कैसे होंगे? सिलोमेट, उनके अंदर सिलोम प्रेजेंट होता है. और सी है इंसेक्ट्स आर स्यूडो सिलोमेट्स, बट इंसेक्ट्स आर सिलोमेट. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. और डी देखिए फ्लैट वॉर्म को हम बोलते हैं फ्लैटी हेलमेंथीस. ये कैसे होंगे? ए सिलोमेट, यानी इनके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है. तो देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, जैसे एस्केलमेंथीस है इसमें ए आ गया, तो इसमें जो सिलोमेट की कैटेगरी होगी इसमें पी आना चाहिए. ए और पी से याद रखना, ए पी, जिसमें ए है उसमें सिलोमेट आएगा. और दूसरा कौन सा होता है आपके पास? प्लेटी हेलमेंथीज, इसके अंदर पी आया तो ये कैसा होगा? ए सिलोमेट, यानी ए है तो पी आएगा, पी है तो ए आएगा. ऐसे आप याद रखना इसको. तो इसमें आ गया आंसर आपका ए. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज़ करेक्ट. पहला स्टेटमेंट है कॉकरोच. कॉकरोच की क्लास बता रखी है इसमें क्रस्टेशिया, लेकिन कॉकरोच की क्लास होती है इंसेक्टा. तो देखिए यहाँ पर कॉकरोच की क्लास बता रखी है क्रस्टेशिया, लेकिन कॉकरोच की होती है इंसेक्टा. तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत. सेकंड में बता रखा है पीला, और इसकी क्लास दे रखी है इसमें पहले साइपोडा, लेकिन इसकी क्लास कैसी होगी? गैस्ट्रोपोडा, क्लास ऑफ मॉलस्का. तो ये स्टेटमेंट यानी ये मैच गलत है. और सी में बता रखा है स्पाइडर, इसकी क्लास बताई है अरैकनिडा, ये मैच सही है. और स्पाइडर किस में आते हैं? आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, ये थर्ड सही है. और डी देखिए यूनियो, इसकी क्लास बताई है गैस्ट्रोपोडा, लेकिन जो यूनियो होती है उसकी क्लास होगी पहली साइपोडा. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया आपका सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ एपिथीलियल सेल्स विच लाइन द इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई आर नोन एज. तो फैलोपियन ट्यूब्स हो गए, ब्रोंक्यूल्स है और ब्रोंकाई, इनमें सिलिएटेड एपिथीलियम देखा जाता है. तो आंसर होगा इसमें बी. नेक्स्ट है इन ऑर्डर फॉर द ब्लड टू फ्लो फ्रॉम एट्रियम राइट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल इन मैमेलियन हार्ट इट मस्ट फ्लो थ्रू. तो देखिए पहले ब्लड आता है राइट एट्रियम में, उसके बाद राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर वो प्योरिफिकेशन के लिए लंग्स के पास जाएगा. लंग्स के पास ले जाने के लिए आर्टरीज होते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, ये कंटेन करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. ये लेके जाएंगी लंग्स के पास ताकि ब्लड प्योरीफाई हो जाए, ऑक्सीजनेटेड हो जाए. उसके बाद जब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड, वो जो पल्मोनरी वेन्स होते हैं ब्लड को लेके आएंगी लेफ्ट एट्रियम में. उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करेगा. तो ऑर्डर क्या हुआ आपके पास? राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरीज, उसके बाद लंग्स के पास जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन्स, फिर लेफ्ट एट्रियम, और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल. सो करेक्ट सीक्वेंस इज ए. नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर करेक्टली स्टेटेड अगेंस्ट द गिवन ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर देखिए तो इसका आंसर होगा बी, दैट इज़ अर्थवॉर्म. और अर्थवॉर्म में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होंगे? फेरेंजियल, इंटेग्यूमेंट्री एंड सेप्टल नेफ्रीडिया. अब देखिए तीन पेयर हो गए फेरेंजियल नेफ्रीडिया के होते हैं, और ये प्रेजेंट होंगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेगमेंट में. इंटेग्यूमेंट्री जो नेफ्रीडिया है ये प्रेजेंट होता है लाइनिंग ऑफ बॉडी वॉल में, जो कि थर्ड सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक एक्सटेंडेड होता है. तो आंसर होगा इसमें बी. नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. पहला स्टेटमेंट गिवन है आपको व्हेन द यूरिन मूव्स थ्रू द डिसेंडिंग लिम्फ इट बिकम्स हाइपरटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा एंड एज इट पासिस थ्रू द असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले इट बिकम्स हाइपरटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा.
तो देखिए जो डिसेंडिंग लिंब होती है वो परमिएबल होती है वाटर के लिए, तो डिसेंडिंग लिंब में सारा वाटर बाहर निकल जाएगा, उससे जो अंदर के सॉल्यूट होंगे मतलब जो उसमें कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और यूरिन कैसी हो जाती है यहाँ पर हाइपरटोनिक। उसके बाद वो मूव करेगी असेंडिंग लिंब में, वहाँ पर वो असेंडिंग लिंब होती है परमिएबल फॉर सॉल्यूट या फिर इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं या फिर आप सोडियम आयन। तो इसमें सारा सॉल्यूट परमिएबिलिटी से बाहर निकल जाएगा, फिर जो यूरिन प्रेजेंट होगी वो हाइपोटोनिक हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ब्लड प्लाज्मा। तो ये स्टेटमेंट सही है। और स्टेटमेंट टू देखिए, द डिसेंडिंग लिंब इज़ परमिएबल टू सोडियम आयन व्हाइल द असेंडिंग लिंब इज़ इम्परमिएबल टू सोडियम आयन्स। लेकिन जो डिसेंडिंग लिंब है वो परमिएबल होती है वाटर के लिए और असेंडिंग लिंब परमिएबल होती है सोडियम आयन्स के लिए। तो यहाँ पर स्टेटमेंट वन करेक्ट है और स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन कंस्टिट्यूट द ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम में आते हैं हमारे पास मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन आई इज। सो जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसको हम कहते हैं रेटिना। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ अ हार्मोन इट्स सोर्स एंड फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर हार्मोन दे रखा है सोर्स और फंक्शन। पहला है वैसोप्रेसिन और इसका सोर्स बताया है पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड फंक्शन इज इंक्रीज लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। लेकिन जो देखिए वैसोप्रेसिन होता है वो स्टिमुलेट करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन को, तो इसकी वजह से जो वाटर का लॉस होता है वो डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पर ये फंक्शन गलत दे रखा है इसका, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन देखिए, नॉर एपिनेफ्रीन, सोर्स गिवन है इसमें एड्रिनल मेड्यूला, सोर्स इसमें सही है। और फंक्शन देखिए, इट इंक्रीजेज हार्ट बीट रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अलर्टनेस। तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी ये मैच सही है, हार्मोन सोर्स और फंक्शन ये तीनों ही मैच हो रहे हैं। और सी देखिए, ग्लूकागन बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लेकिन ग्लूकागन का सोर्स होता है अल्फा सेल्स। और इसमें फंक्शन में बताया है स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलिसिस, सो इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। तो ये मिसमैच है। अब डी देखिए, प्रोलैक्टिन, इसका सोर्स बताया है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, लेकिन प्रोलैक्टिन का सोर्स होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ देखिए ए सी और डी मिसमैच है और करेक्ट आंसर है इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड टू टिश्यूज़। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट है पी, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 बाई ब्लड, ब्लड ने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्यों देखिए, रिएक्शन ऑफ एब्जॉर्ब्ड CO2 विद H2O2 फॉर्म H2CO3 विद इन RBC एंड इट्स कन्वर्जन इनटू H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव आयंस। जो एब्जॉर्ब्ड CO2 है वो रिएक्ट करेगा H2O से और फॉर्म कर देता है ये H2CO3। ये सारे रिएक्शंस कहाँ पर हो रहे हैं, RBC में, और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव आयंस में। ये स्टेटमेंट सही है। और R देखिए, रिएक्शन ऑफ एब्जॉर्ब्ड CO2 विद H2O इन प्लाज्मा टू फॉर्म H2CO3 एंड इट्स कन्वर्जन इनटू H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव आयंस। लेकिन ये रिएक्शंस RBC में होते हैं ना कि प्लाज्मा में, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, R को रॉन्ग मार्क कर दीजिए। और S है, कॉम्बिनेशन ऑफ H पॉजिटिव विद हीम पोर्शन ऑफ HBO2 टू रिलीज ऑक्सीजन, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। एंड लास्ट वन इज, दैट इज़ टी, कॉम्बिनेशन ऑफ HCO3 नेगेटिव विद हीम पोर्शन ऑफ HBO2 टू फॉर्म रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये गलत है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर R और T गलत है, PQS सही है, तो सीक्वेंस आएगा PQS। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें C। नेक्स्ट है, चूज़ दी करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट गिवन है आपको, टी वेव इन एन ECG रिप्रेजेंट एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो देखिए जो टी वेव होती है
वो रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। और बी देखिए, द सम ऑफ पी एंड टी वेव्स इन अ गिवन टाइम पीरियड कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होता है हमारे पास क्यू आर एस, उसके नंबर को हम काउंट करके पता करते हैं कि हार्ट रेट क्या है या फिर पल्स रेट क्या है। तो यहाँ पर ए और बी ऑप्शन तो गलत हो गए। सी देखिए, द एंड ऑफ पी वेव मार्क द एंड ऑफ द सिस्टोल। तो देखिए, जो पी वेव होती है वो रिप्रेजेंट करती है एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया को। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। और डी देखिए, इन एन स्टैंडर्ड ईसीजी अ पर्सन इज कनेक्टेड टू द मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसमें जो 3 इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उसमें से एक एक तो रिस्ट में होगी और एक होती है लेफ्ट एंकल में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट है, अ फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट दैट इज GFR एक्टिवेट। तो देखिए, जब GFR फॉल करता है इससे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एक्टिवेट होते हैं और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स रिलीज करते हैं रेनिन को विच स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाई नॉर्मल हो जाती है हमारे पास GFR। तो आंसर आएगा इसमें ए। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द गिवन फिगर। तो ये फिगर देखिए आप, यहाँ पर पहले जो ए दे रखा है इसमें बाइलोब दिख रहे हैं आपको, और बाइलोब किस में होते हैं, एसिनोफिल्स में। तो ए होगा एसिनोफिल्स। बी देखिए, इसमें सिर्फ एक लार्ज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस है और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोनोसाइट्स को। सी देखिए, मल्टीलोब दिख रहे होंगे आपको इस न्यूक्लियस में, तो ये मल्टीलोब किसका फीचर होगा, न्यूट्रोफिल्स का। सो सी होंगे न्यूट्रोफिल्स। और डी है, इनमें कोई भी लोब्यूल्स नहीं है और बिल्कुल ही राउंड शेप का न्यूक्लियस है, तो ये होंगे लिम्फोसाइट्स। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पहले ए है, डी इज़ एसिनोफिल, लेकिन डी क्या है, लिम्फोसाइट्स। तो ये ऑप्शन गलत है। बी देखिए, बी इज़ लिम्फोसाइट, लेकिन बी क्या है, मोनोसाइट्स। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सी है, सी इज़ न्यूट्रोफिल विच इज़ फैगोसिटिक इन नेचर। तो ये स्टेटमेंट सही है। और डी में गिवन है ए इज़ मोनोसाइट, लेकिन ए कौन से सेल्स हैं, एसिनोफिल्स। तो यहाँ पर ए, बी और डी ये गलत हैं और करेक्ट आंसर होगा इसमें सी। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग इज़ अ स्कीम शोइंग द फेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग डाइजेशन इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, आइडेंटिफाई द एंजाइम्स एक्टिंग एट स्टेजेस इंडिकेटेड एज ए बी सी एंड डी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन। तो देखिए, जो स्टार्च होता है, स्टार्च को ऐसे तोड़ने के लिए एक एंजाइम रिक्वायरमेंट होगा, उसका नाम होगा अमाइलेज, तब स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है माइल्टोज में। उसके बाद देखिए, जो लैक्टोज दे रखा है, लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। तो जो लैक्टोज है इसके ऊपर एक एंजाइम काम करेगा, उसका नाम होता है लैक्टेज। जब माल्टोज 2 यूनिट ग्लूकोज की देती है तो इसके ऊपर कौन सा एंजाइम काम करेगा, माल्टेज। और सुक्रोज के लिए एंजाइम होगा सुक्रेज, या फिर आप इसको कह सकते हैं इन्वर्टेज, क्योंकि सुक्रोज को हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, तो उसी के नाम से एंजाइम का नाम होता है। तो यहाँ पर देखिए, ए है अमाइलेज, बी लैक्टेज है, सी माल्टेज एंड डी इज़ इन्वर्टेज। सो करेक्ट आंसर इज़ डी। नेक्स्ट है, द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग कंसनट्रेटेड दैट इज हाइपरटोनिक यूरिन इन वर्टिब्रेट्स जनरली डिपेंड्स ऑन। तो देखिए, ये जो लूप ऑफ हेनले होगा इसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा लेंथ होती है लूप ऑफ हेनले की, उतना ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन होता है। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें सी, दैट इज़ लेंथ ऑफ हेनलेज लूप। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द गिवन फिगर। अब देखिए, इस फिगर को आप एनालाइज कीजिए। जो ए पार्ट है ये होगा फ्रंटल पोर्शन, बी है टेम्पोरल लोब, डी पेराइटल लोब है और सी है ऑसिपिटल। तो ऑप्शन ए देखिए, डी इज़ पेराइटल लोब विच रजिस्टर सेंसरी परसेप्शंस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि देखो हमें इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। अब बी देखिए, ए इज़ ऑसिपिटल लोब विच
डिकोड्स एंड इंटरप्रेट्स विजुअल इन्फॉर्मेशन, लेकिन ए कैसा है, फ्रंटल लोब है ना कि ऑसिपिटल, तो ये इनकरेक्ट है। सी देखिए, बी इज़ टेम्पोरल लोब विच इज़ एसोशिएटेड विद मेमोरी एंड इमोशंस, सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जो बी पोर्शन है वो टेम्पोरल लोब को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और डी ऑप्शन है, सी इज़ सेरेबेलम विच कंट्रोल मस्कुलर एक्टिविटीज़, सो यहाँ पर ए सी और डी ये स्टेटमेंट करेक्ट है और जो सेकेंड ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है और हमको इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही चूज़ करना था। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द गिवन फिगर। अब देखिए, इस गिवन फिगर में हम एक्स वाई जेड जो भी हमको लेबलिंग दे रखी है इसको हम बता देते हैं कि कौन कौन से लेबल पार्ट्स हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक्स होगा स्टोमेटा, डब्लू है पैलिसेड पैरेन्काइमा, ये लंबे लंबे जो पैरेन्काइमा होते हैं इनको पैलिसेड बोलते हैं, और जो ये स्पेस जिनके अंदर ऐसे एयर कैविटीज प्रेजेंट है इनको हम कहते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और देखिए, वाई है जाइलम एंड जेड इज फ्लोएम, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमको ऑप्शंस में चूज़ करना है। पहला ऑप्शन है, डब्लू शोज पैलिसेड पैरेन्काइमा हैविंग क्लोरोप्लास्ट अरेंज्ड इन लेयर्स, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बी है, जेड शोज फ्लोएम, ये स्टेटमेंट भी सही है। और सी देखिए, एज वाटर एवेपरेट्स फ्रॉम एग्स इट रिजल्ट इन पुलिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल फ्रॉम वाई, तो देखिए अब एग्स स्टोमेटा है, स्टोमेटा से ही वाटर एवेपरेट होगा और आपको पता है कि जो वाटर होता है उसका ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू होगा, तो जैसे जैसे स्टोमेटा से वाटर एवेपरेट होगा वो क्या करेगा कि वाटर को पुल करेगा मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल फ्रॉम जाइलम। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों ही करेक्ट आंसर हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन इज 8 सेकेंड्स, देन व्हाट विल बी द टाइम व्हेन सब्सट्रेट कंसंट्रेशन इज के एम। तो देखिए, जब के एम पे जब कंसंट्रेशन हो जाती है के एम, तो उस वक्त वी मैक्स हाफ हो जाती है। अब वी मैक्स के लिए तो है 8 सेकेंड्स, और जब कंसंट्रेशन हो जाएगी के एम तो उसके लिए वेलोसिटी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी यानी कि 4 सेकेंड्स, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस डज द गिवन फिगर शो। अब देखिए, ये जो डायग्राम दे रखा है हमको ये रिप्रेजेंट करता है साइमोज को, तो इसमें डी ऑप्शन जो रेसिमोज दे रखा है ये तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। अब ए बी और सी में से इनमें से देखना है कि हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए, पहला है यूनिपेरस साइम, यूनी मतलब एक, जिसमें ब्रांचेस एक साइड में ही ग्रो करती हैं उसको हम कहते हैं यूनिपेरस, तो ये गलत है क्योंकि जो बीज का जो मेन फ्लावर है इससे दोनों तरफ ब्रांचेस आ रही हैं, यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए, बाईपेरस साइम, इसमें बाई मतलब दो होता है, यानी जो मेन एक्सिस है उससे दोनों तरफ ब्रांचेस ग्रो हो रही हैं। और सी है मल्टीपेरस साइम, मल्टी मतलब काफ़ी सारे, काफ़ी सारे का मतलब क्या हुआ है कि दो से ज़्यादा, तो यहाँ पर आपको कितनी ब्रांचेस दिख रही है, टोटल दो दिख रही है ना, एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो यहाँ पर मल्टीपेरस तो होगा नहीं, यूनिपेरस भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या बचा है हमारे पास, बी, दैट इज़ बाईपेरस साइम, सो करेक्ट आंसर इज़ बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट हायरार्कियल सीक्वेंस। तो देखिए, सीक्वेंस होता है पहले छोटे में बड़े की तरफ, लाइक स्पीशीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, देन किंगडम, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग, कॉलम वन को कॉलम टू से मैच करना है और जो हमको कोड्स गिवन है उसमें से करेक्ट ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। देखिए, जो राइजोपस है ये आएगा फाइगोमाइसिटीज़ में, पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर आता है, अस्टिलेगो ये बेसिडियोमाइसिटीज़ है, और अल्टरनेरिया यूट्रोमाइसिटीज़। सो देखिए, यहाँ पर ए का है फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड, सो करेक्ट आंसर होगा इसमें सी। अगला क्वेश्चन देखिए, द थिक फिलामेंट इन मसल इज पॉलीमराइज्ड प्रोटीन ऑफ। तो थिक फिलामेंट किससे बनते हैं,
मीरोमायोसीन से। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, कंसिडर द गिवन फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट 1, 2, 3 and 4 एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, जो पहला है, इन वेक्सिलरी एस्टिवेशन द लार्ज पोस्टीरियर पेटल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। सबसे बड़ी वाली को हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो जो दो लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है उनको हम कहेंगे विंग्स, और जो सबसे छोटी वाली एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं गील। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। और सेकंड देखिए, फ्लोरल फार्मूला ऑफ लिलिएसी फैमिली। तो देखिए, जो लिलिएसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला है ये बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड है, इन पी फ्लावर दी स्टेमेंस आर मोनो एडल्फस, लेकिन पी में कैसे होंगे, डाई एडल्फस। तो ये थर्ड गलत है। और फोर्थ देखिए, द फ्लोरल फार्मूला ऑफ सोलेनेसी फैमिली इज। तो सोलेनेसी फैमिली के लिए फ्लोरल फार्मूला होता है प्लस का साइन, देन बाइसेक्सुअल, के 5 फ्यूज्ड, सी 5 फ्यूज्ड, ए 5 फ्री, और सी और ए फ्यूज्ड होते हैं इसमें। और जो गाइनोशियम होगी यानी ओवरी होती है वो सुपीरियर होगी 2 फ्यूज्ड। तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ गलत है, फर्स्ट और सेकेंड करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें बी। नेक्स्ट है, द रिलीज ऑफ केमिकल मैसेंजर फ्रॉम साइनेप्टिक वेसिकल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ दीज आयन। तो ये कैल्शियम आयन के अंडर में होते हैं, तो आंसर आएगा इसमें सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, दी कॉरेनकाइमा अकर इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन मोनोकॉटिलेडन प्लांट। लेकिन ये जो कॉरेनकाइमा सेल्स नहीं होते, इसकी जगह होते हैं पैरेनकाइमा सेल्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बी देखिए, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है। सी देखिए, जाइलम पैरेनकाइमा सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड एंड देयर वॉल्स आर मेड अप ऑफ लिग्निन। लेकिन ये लिग्निन से नहीं बनी हुई होती हैं, सेलुलोज से बनी हुई होती हैं। तो ये सी गलत हो गया। डी देखिए, कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। तो जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो क्या है, फ्लोएम का पार्ट है। तो यहाँ पर ए, सी और डी गलत है, और करेक्ट आंसर होगा इसमें बी। नेक्स्ट है, लेग्यूमिनस प्लांट्स आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर दिस प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखिए, पहला है, लेग हीमोग्लोबिन स्केवेंजेस ऑक्सीजन एंड इज पिंकिश इन कलर। तो ये स्टेटमेंट सही है। बी देखिए, नोड्यूल्स एक्ट एज साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि नोड्यूल्स में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। सी है, द एंजाइम नाइट्रोजिनेज कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड डी इज, नाइट्रोजिनेज इज इनसेंसिटिव टू ऑक्सीजन। लेकिन जो नाइट्रोजिनेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के लिए, तभी जो लेग हीमोग्लोबिन होता है वो जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उन सबको ख़त्म कर देता है, ताकि नाइट्रोजिनेस अपनी एक्टिविटी एफिशिएंटली कर पाए। तो यहाँ पर ए, बी और सी इनकरेक्ट है, और जो लास्ट का स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तो आंसर होगा इसमें डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच। तो देखिए, पहला है सॉर्गम, तो ये कैसा प्लांट है, C4 प्लांट, और C4 प्लांट में हम देखते हैं क्रैंज एनाटमी। तो ये मैच तो सही हो गया। बी देखिए, पेप कार्बोक्सिलेज, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, मेसोफिल सेल्स में। सी है, ब्लैकमैन, इन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो ए, बी, सी तो यहाँ तक तो सही है। अब डी भी देख लीजिए, PS2 यानी फोटोसिस्टम 2, ये कौन सा होता है, P680 को हम कहते हैं PS2, जो P700 होता है इसको हम कहते हैं PS1। तो यहाँ पर जो फोर्थ है ये रॉन्गली मैच है, तो आंसर आएगा इसमें डी। नेक्स्ट है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, दी प्लांट्स हैव सेंट्रियोल विच आर एबसेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल सेल्स। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते, एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बी देखिए, राइबोसोम्स आर दी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सी है, मिडिल लैमिला इज अ लेयर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच होल्ड दी डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। लेकिन जो मिडिल लैमिला होता है वो कैल्शियम पैक्टेट से बना हुआ होता है, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट से। तो यहाँ पर देखिए, ए गलत हो गया।
बी सही है, सी गलत है। और डी को देखिए, इन एनिमल सेल स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर ए और सी गलत है, बी और डी करेक्ट है, तो आंसर होगा इसमें सी। नेक्स्ट है, अरेंज दी स्टेप इन कैटालिटिक एक्शन ऑफ एन एंजाइम इन ऑर्डर एंड सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर फोर स्टेप्स गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो देखिए, पहले होगा द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, देन द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर द इट शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। उसके बाद क्या होगा, जो एक्टिव साइट है एंजाइम की वो सबस्ट्रेट से क्लोज होगी ताकि जो केमिकल बॉन्ड्स है वो टूट जाए सबस्ट्रेट के। तो नेक्स्ट होगा सेकेंड, दैट इज एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट एंड ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट। और लास्ट में होगा द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ एन रिएक्शन एंड द एंजाइम इज फ्री टू बाइंड टू अनदर सबस्ट्रेट। तो सीक्वेंस आएगा फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, सम वेस्कुलर बंडल्स आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन बिकॉज, ओपन यानी उनमें कैम्बियम प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और कैम्बियम प्रेजेंट है यानी कि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, यानी जो विड्थ होती है वो इंक्रीज हो सकती है। तो इसमें आंसर आएगा बी, दैट इज आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोटोसिस्टम वन इज कंपोज्ड ऑफ, तो एक्टिव कंपोनेंट में आएगा क्लोरोफिल ए विद एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर, क्योंकि फोटोसिस्टम वन में 700 नैनोमीटर ही होती है, तो आंसर आएगा इसमें बी। अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द फोटोसिस्टम इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड टू ड्राइव प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एज अ रिजल्ट द प्रोटॉन अक्यूमुलेट इन, तो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ अक्यूमुलेट हो जाएंगे, थाइलाकॉइड के ल्यूमन में। और उसके बाद जो F0 F1 पार्टिकल होते हैं उससे ATP की फॉर्मेशन होती है, तो आंसर आएगा इसमें ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ NAD पॉजिटिव इन सेलुलर रेस्पिरेशन, तो जो NAD पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है, तो आंसर आएगा इसमें बी, दैट इज़ इट फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। नेक्स्ट है, द ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे एंड डैश बोन्स, तो बोन्स कितनी होंगी इसमें, 26। सो करेक्ट आंसर है इसमें बी। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल विच इक्वेशन इज करेक्ट, अब देखिए प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए टर्गर प्रेशर तो होगा जीरो, तो आपको इक्वेशन पता है कि DPD इज इक्वल टू OP प्लस TP, तो TP तो हो गया जीरो, तो बचा क्या, सिर्फ OP, सो DPD इज इक्वल टू OP। सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू एंजाइम्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो देखिए आप इसको ऐसे याद रखना, H इज इक्वल टू AC, H यानी कि होलो एंजाइम, होलो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड कब होगी, जब उसके अंदर अमाइनो ग्रुप्स ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो पहला है इसमें देखिए एक अमाइनो ग्रुप है और दूसरा एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये तो न्यूट्रल हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। बी देखिए, इसमें दो अमाइनो ग्रुप हैं और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी जो अमाइनो ग्रुप है वो डोमिनेंट हो गया है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो आंसर आएगा इसमें बी, क्योंकि ये बेसिक हो गया। अब सी देखिए, इसमें भी एक अमाइनो है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये भी न्यूट्रल हो गया, और डी में भी न्यूट्रल है क्योंकि इसमें एक अमाइनो ग्रुप है और एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सो इसमें करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली हुज फ्लोरल फार्मूला सॉरी डायग्राम इज गिवन, तो देखिए यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, ये लिलिएसी फैमिली का है, तो पहला दे रखा है ऑप्शन अलॉय एस्पैरागस एंड कॉल्चिकम बिलोंग टू दिस फैमिली, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, और जो अलॉय होता है वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए होता है, एस्पैरागस एक वेजिटेबल है एंड कॉल्चिकम जो कॉल्चिसिन को प्रोड्यूस करता है और वो माइटोटिक पॉइजन की तरह यूज़ होता है, और यहाँ पर सेकंड देखिए
फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक, लेकिन जो फ्लावर होते हैं यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। तो पहला सही है, सेकंड गलत हो गया। थर्ड देखिए, फ्लोरल फार्मूला गिवन है लिलिएसी फैमिली का, ये करेक्ट है। और इसमें जो ब्रैक्ट होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं इन स्टार्टिंग, ठीक है। बी आर भी आना चाहिए था यहाँ पर, तो जब ज़्यादा करेक्ट होता, लेकिन अभी भी ये सही है। और फोर्थ देखिए, फ्रूट्स आर बेरी और कैप्स्यूल, तो यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है और सेकेंड ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें डी। नेक्स्ट है, इन कॉकरोच डाइजेस्टिव जूसेस इज सीक्रेटेड बाय, तो डाइजेस्टिव जूस किससे सीक्रेट होंगे, हिपैटिक सिक्का से। सो करेक्ट आंसर इज इसमें सी। नेक्स्ट है, सेलेक्ट एन इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द गिवन डायग्राम, तो देखिए यहाँ पर डायग्राम गिवन है, क्यू होगा गॉल ब्लैडर, पी है हमारे पास पैनक्रियास और आर है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो इसमें पहला ऑप्शन गिवन है, पी इज़ अ कंपाउंड ग्लैंड विद एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन सेक्शंस, तो ये सही है, क्योंकि जो पी है यानी पैनक्रियास, इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोल सकते हैं। और मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बी देखिए, आर इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर अलॉन्ग विद द हिपैटिक डक्ट, तो ये गलत है, क्योंकि ये है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। और सी देखिए, आर इज़ गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, दिस इज़ करेक्ट। एंड डी इज़ क्यू स्टोर बाइल विच इज़ एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, क्यू यानी कि गॉलब्लैडर स्टोर करता है बाइल को, जो कि एक्चुअली प्रोड्यूस लिवर करेगा। तो यहाँ पर ए सी और डी करेक्ट है और सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो आंसर होगा इसमें बी। अगला क्वेश्चन देखिए, बंडल ऑफ हेज इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, तो बंडल ऑफ हिज किस में देखा जाता है, हार्ट में। सो करेक्ट आंसर होगा इसमें डी। नेक्स्ट है, वन मिनरल एक्टिवेट द एंजाइम कैटलेज एंड अदर इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, दीज मिनरल्स आर रेस्पेक्टिवली, तो देखिए जो कैटलेज एंजाइम है उसको एक्टिवेट करने वाला तो आयरन होता है, और दूसरा क्या बताया रखा है, रिंग स्ट्रक्चर में कौन सा प्रेजेंट है, क्लोरोफिल के, तो इसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा, तो पहले आएगा आयरन उसके बाद मैग्नीशियम। सो करेक्ट आंसर इज इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ बोथ स्टार्च एंड प्रोटीन इज डन बाय, तो ये दोनों ही पैनक्रियाटिक जूस से होंगे, तो आंसर है इसमें डी। नेक्स्ट है, सेलाइवरी अमाइलेज शोज मैक्सिमम डाइजेस्टिव एक्शन एट पीएच, तो देखिए जो सेलाइवरी अमाइलेज है इसके लिए ऑप्टिमम पीएच होती है 6.8, यानी कि स्लाइटली एसिडिक, तो करेक्ट आंसर होगा इसमें डी। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द स्टेज ऑफ द सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन एन यूकैरियोटिक सेल्स, तो देखिए जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो डीएनए के साथ ही हिस्टोन प्रोटीन्स का सिंथेसिस होगा, और डीएनए कब होता है सिंथेसाइज, एस फेज में, तो हिस्टोन प्रोटीन्स भी एस फेज में ही सिंथेसाइज होंगी, तो आंसर होगा इसमें बी। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस पेपर। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।